मैथ का यही एक नियम है, यही फंडा है भैया, और कोई तरीका नहीं है। एक मैथ आपको जो है तार भी देगा, नहीं तो भैया फाड़ देगा। चलिए गाइस देखिए फिर ये 10 क्लास का जो मैथ उस दिन बताए थे आप लोगों को, फिर लेकर के आए हैं 1.1 का हिसाब नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप लोग को एक हिसाब बता दिए थे उस दिन, और बिना देर किए हुए फिर उस हिसाब पे हम लोग अगले पे काम करते हैं। एक नंबर का हिसाब नंबर 1 था आप लोगों का 135 और कितना है 225। अब जो है इसका HCF निकाल दिए थे उस दिन, HCF बराबर क्या था बता चुके हैं। दूसरा हिसाब जो है, अभी दूसरा हिसाब का हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा हिसाब है 196 और कितना है 38,220 का HCF कितना होगा बराबर व्हाट। आप देखिए 196 को लगवाएंगे भाग 220 पर, ठीक है, तो एक ही बार में लगेगा, एक ही बार में पहला बार लगेगा 196 पहुँचा दिए यहाँ 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 17, 1 5 चले 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2 में से गया 1, 186। अब क्या करेंगे, अब बगल वाले को यहाँ उतारेंगे, अब लगाइए इसमें भाग, अब फिर ये लगेगा 9 में, कितना बार में लगेगा 9 में, 196 को 9 से गुना करके देख लीजिए, नछा के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 8 17 कितना आया 1764, घटा दीजिए 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9 6 15, और ये ख़त्म, इससे 1 5 4 थे ये भी ख़त्म, अब आया 0। 196 को 5 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 980, कितना आएगा भैया 980, कट गया खस्सी। तो HCF क्या निकला, HCF का नियम है जिससे लास्ट में कटे, तो लास्ट क्या शुरू भी इसी से किए हैं और आखिरी भी उसी से हो रहा है, तो HCF आपका निकल गया यही हो गया आपका आंसर। इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बार बार कहते हैं, फिर आज कह रहे हैं, एक ही तरीका है हिसाब में आगे बढ़ने का, और यही हिसाब आपको हर सब्जेक्ट में नंबर दिलाएगा। एक बार आप मैथ में लड़खड़ा गए, सब सब्जेक्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो मैथ को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा। मैथ का यही एक नियम है, यही फंडा है भैया, कोई तरीका नहीं है। एक मैथ आपको जो है तार भी देगा, नहीं तो भैया फाड़ देगा, याद रखिए। दूसरा हिसाब आप लोगों को दे रहे हैं रिवाइज या बनाने के लिए, देखिए नहीं बनेगा तो कमेंट्स कीजिएगा फिर बता के देंगे, 867 और कितना है 255, 255 का HCF ठीक है कितना होगा, ये लोग आप लोग हमको बताइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट्स करके कहिएगा फिर बता देंगे इसको। फिर कहते हैं करत करत अभ्यास की जड़ी मत होत सुजान, है न दिया हुआ, करत करत अभ्यास की जड़ी मत होत सुजान, रस्सी आबत जात सिल पर पड़त निशान। जिस तरह से रस्सी बार बार जो है खींचने पर, कुएं से पानी निकालने पर पत्थर को काट देता है, निशान पड़ जाता है, आप तो इंसान हैं, आप भी उससे अच्छा कर सकते हैं, उससे क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब मैथ बनेगा। ये आप लोग बताइएगा, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट्स कीजिएगा बता के देंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।